हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प पर। मैं तो यार बहुत दिनों से आपका कमेंट आ रहा था कि सर NBS रिजल्ट को लेकर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने आपको बोला भी था इससे कुछ दिनों पहले अभी कि मैं जल्द ही वीडियो वो लेकर आने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने वो वीडियो आ चुका है जिसमें कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें बताने वाला हूँ। इसके लिए मुझे इतना टाइम लग गया क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं इकट्ठा की हैं, बहुत सारे सोर्स इकट्ठा किए हैं, उसके आधार पर मैं ये वीडियो जो है बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें हम देखिए रिजल्ट के बारे में देखेंगे, बिल्कुल मतलब फैक्ट वाइज देखेंगे, कुछ भी मतलब ऐसे मन से नहीं बोलेंगे। ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे क्या रहा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, कितने कैंडिडेट्स जो है पास होंगे, कब तक रिजल्ट आएगा, सारी ही बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए किसी भी NBS से जुड़ी या फिर किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो जो है स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका रिजल्ट है वो किस बेसिस पे आएगा, ठीक है ना, बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम 2017 में वैकेंसी निकली थी ना, 2017 में भर्ती निकली थी, उसके आधार पर आपको बताएंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए जो आपकी वैकेंसी नोटिस आया था वो आया था 17 नवंबर 2017 को वैकेंसी आई थी। इसका जो प्री एग्ज़ाम यानी कि CVT कंडक्ट कराया गया था वो 13 जनवरी 2018 को हुआ, 27 फरवरी को इसकी जो है आंसर की जाती है, और बीच में कहीं पे जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट जैसे कि हमारी आई थी जुलाई में, उसका एक लिस्ट आता है, ठीक है, उसका मुझे डाटा नहीं मिला है। ठीक है, इसके बाद जो देखिए, ठीक है, जबकि फरवरी में इसका, देखिए जनवरी में एग्ज़ाम हो गया, लगभग कितने 5 महीने बाद जो है इसकी टाइपिंग होती है, कब, 6 जून 2018 को। फिर देखिए इसके बाद क्या होता है, इसका रिजल्ट आता है फाइनल, जो कि ओवरऑल होता है, मतलब जितने भी जो स्टूडेंट्स शामिल हुए थे CVT एग्ज़ाम में उनका रिजल्ट बन के आता है पूरा, जितने लगभग 1,15,000 स्टूडेंट उसमें शामिल थे उनका ओवरऑल जो रिजल्ट आता है वो 11 सितंबर 2018 को आता है। साथ ही इसके साथ ही वो जारी करते हैं टाइपिंग का सेम डेट में, 11 सितंबर 2018 को टाइपिंग रिजल्ट जारी करते हैं। देखिए आपका जून में हुआ टाइपिंग, जून से आप सितंबर लगाइए, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि 3 मंथ के अंदर आपका जो है रिजल्ट वो जारी कर दिया गया था। ठीक है, वो भी जो इसकी भर्ती हुई थी, मतलब सीक्वेंस, मतलब कुछ में कुछ भी डिले नहीं हुआ था, बीच में कोई भी बाधा नहीं, सीधे डायरेक्ट भर्ती चल रही थी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए टाइपिंग रिजल्ट आया था, आपका फाइनल आया था, जिसमें ओवरऑल कैंडिडेट थे उसके नंबर बताए थे, कि उसमें कुछ नहीं बताया गया था कि कौन सिलेक्टेड है कौन नॉट सिलेक्टेड है, सीधे नंबर उधर दे दिए थे, कितने नंबर हैं, आपका ये नाम था, ये डेट था, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये आपके नंबर थे, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपका देखिए तुरंत मतलब सीधे 1 महीने के बाद, 1 महीना 15 दिन बोल सकते हैं आप, उसके बाद आपका DV हो जाता है। किसका होता है DV, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो थे उनका DV आता है, उसमें दिया जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, और सिलेक्टेड कैंडिडेट की एक लिस्ट जारी कर दी जाती है। चलिए मैं आपको इनका सबका प्रूफ दिखा देता हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको नोटिस पर लिए चलता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा ये ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखिए वाइड नोटिस डेटेड 2 अप्रैल 2018 को आपका आया था ये, ठीक है, ये आपका जारी हुआ है 11 नौ 2018 को, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या क्या लिखा गया है कि 17 नवंबर 2017 को जो आपका नोटिस आया था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पब्लिश हुई थी उसके रिगार्डिंग ये आपका नोटिस था, ठीक है। इसमें देखिए वाइड नोटिस डेटेड 2 अप्रैल 2018 को आपकी लिस्ट आई थी, जो कि कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। स्किल टेस्ट का रिजल्ट कब आता है, 2 अप्रैल 2018 को आता है आपके एग्जाम होने के बाद। उसके बाद देखिए फिर ये लोग जो है इसकी टाइपिंग करवा लेते हैं, कब करवाते हैं देखिए दिखा देता हूँ मैं, पूरी PDF है ये आपको दे रहा हूँ 40 पेज की, ठीक है। इसमें देखिए इसका जो है जून 2018 में 6 जून आपका देखिए ऑनलाइन स्किल टेस्ट होता है, पोस्ट ऑफ LDC एंड स्टोर कीपर को शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट थे उसका टाइपिंग टेस्ट होता है। अब इसका रिजल्ट कब दिया उन्होंने, देखिए 11 सितंबर को डेटेड, 11 सितंबर को इसका रिजल्ट आता है, ठीक है, ये देखिए रिजल्ट ही है टाइपिंग रिजल्ट, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है कि अपेंडेड रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन स्किल टेस्ट हेल्ड ऑन 6/2/2018 को LDC का हुआ था उसका रिजल्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए रिजल्ट में दिखाता हूँ आपका, देखिए रिजल्ट किस बेसिस पर बना था, ठीक है। देखिए ये है रोल नंबर वाइज, यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ रोल नंबर वाइज आपको जो है रिजल्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए रोल नंबर दिया, ये वाला सिक्वेंस चलेगा, इसके आधार पर देखिए कोई भी मतलब
आपका रोल नंबर है उसमें कोई सी कैटेगरी है, ठीक है। इसका देखिए सब्जेक्ट मतलब जो जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ की थी उसका है इंग्लिश 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 इंग्लिश। फिर आपकी देखिए ग्रॉस वर्ड पर मिनट और नेट वर्ड पर मिनट, ठीक है ना। देखिए ग्रॉस 22 आई इनकी, 21.2 रह गई नेट में, कम रह गई, 20.8 आई, 20.1 रह गई, ठीक है। तो मतलब आपका टाइपिंग का रिजल्ट आता है, ठीक है ना। इस आपका टाइपिंग का रिजल्ट भी आएगा, ओवरऑल भी आएगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का भी आएगा, दो तीन तरीके से आपके रिजल्ट बनने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनक्वालिफाइड अनक्वालिफाइड अनक्वालिफाइड, तो ऐसा नहीं है कि आप बोले ना जब कि मतलब टाइपिंग में तो सभी पास हो जाएंगे, तो सबका ऐसा नहीं होता, सबके हाथ कांपते हैं, सबका सब कुछ होता है। तो देखिए कितने सारे कैंडिडेट क्वालिफाइड, मैं एक ही पेज में कहता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9, नो नो तो इधर ही अनक्वालिफाइड होगा भाई। ये देखिए कितने मतलब लाइन लगी हुई है, देखिए ये देखिए ये देखिए कितने सारे अनक्वालिफाइड है। ये देखिए कितने बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए थे, मैं दिखाया था 1971, और जो तो लास्ट ईयर वैकेंसी निकली थी वो निकली थी 450। अगर इसको हम 1:5 करते हैं तो ये लगभग 2250 होती है, बट बच्चे जो है शामिल कितने हुए थे 1971, लगभग 250 280 बच्चे जो हैं इसमें कम सेलेक्ट हुए थे। ऐसा भी हमारे साथ भी होने वाला है, जो 917 बच्चे पास किए गए हैं इसमें से लगभग 600 या 650 बच्चे ही जो है इसमें सेलेक्ट हुए थे टाइपिंग टेस्ट में, ठीक है ना, मतलब शामिल हुए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए अनक्वालिफाइड का लिस्ट देखिए ना, देखिए अनक्वालिफाइड अनक्वालिफाइड अनक्वालिफाइड, मतलब लगभग आप मान के चलिए 20% की जो है टाइपिंग नहीं निकलने वाली है, जहाँ तक इस हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि टाइपिंग में गड़बड़ कर देते हैं लोग, बोलने से कुछ नहीं होता, बोल तो सभी रहे कि मैंने इतने मारे पर वो रखे के रखे रह जाते हैं, देखिए ना। तो देखिए ये मैंने बता दिया टाइपिंग का रिजल्ट भी आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 1971 उन्होंने ये पास किए थे, ठीक है। अब मैं चलिए आपको रिजल्ट दिखाता हूँ पूरा, जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा, ठीक है। देखिए NVR रिजल्ट ऑल करके, ठीक है, पूरी PDF मैंने डाउनलोड करके रखी। देखिए ये भी कब आता है, 11 सितंबर 2018 को ही ये भी आता है, ठीक है। द रोल नंबर वाइज रिजल्ट ऑफ CBT फॉर द पोस्ट ऑफ LDC एंड LDC स्टोर कीपर इज डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट समिति, ठीक है। इस तरीके से दे रखा था इन्होंने, देखिए यहाँ पर देखा है 11 सितंबर को नोटिस निकला, 13 जनवरी को पेपर हुआ इसका, 27 को इसके आंसर की रिलीज की गई, अप्रैल में उसका वो आता है और आपकी टाइपिंग हो जाती है 6 जून को, उसके बाद रिजल्ट आता है, देखिए रोल नंबर वाइज पूरा। अब देखिए रिजल्ट किस आधार पर बनाया उन्होंने, ठीक है, ठीक है। ये देखिए रोल नंबर वाइज मेरिट लिस्ट जो है रोल नंबर वाइज है, ठीक है। यहाँ देखिए एक्चुअल स्कोर था और ये नॉर्मलाइज स्कोर था, ठीक है, यानी कि बच्चे ने कितना स्कोर किया था और नॉर्मलाइज देखिए कितने नंबर बढ़े, 31 थे भाई के, 44 हो गए, शिफ्ट भी दे रखी है शिफ्ट फर्स्ट करके, ठीक है। तो देखिए मतलब कितने नंबर गैप आ गए, 13 नंबर का गैप, तो मतलब नंबर बहुत काफ़ी काफ़ी नंबर बढ़े हुए हैं, ठीक है। 49 से 58 हो गया, 56 से 64 हो गया, 56 से 64, ठीक है, 12 नंबर बढ़ गए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए 47 से 57, 38 से 50, 48 से 58, मतलब बहुत बहुत नंबर बने, 23 से 38, ठीक है ना। तो लगभग 15 15 20 20 नंबर तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट जो है ना, ये देखिए 2612 पेज, 1,15,000, लगभग 1,15,000 जो है स्टूडेंट शामिल, तो ये सबका रिजल्ट इन्होंने दे दिया है। इसके बाद शायद इन्होंने एक सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट भी दिया था शायद मेरे ख्याल से, बट वो इसमें शामिल नहीं है, या फिर जो आपका टाइपिंग निकला था उसमें से उन्होंने मतलब अनक्वालिफाइड को हटा के वो वाला आप देख सकते थे, ठीक है, उसमें इस तरीके से उन्होंने दिया था, ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हम कि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था वो किस किस को बुलाया गया था, ठीक है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कितने बच्चे बुलाए थे, कब बुलाए गए थे, तो देखिए मैंने दिखाया था 11/9 को आपका वो रिजल्ट आता है, वो 18/10 यानी कि ठीक एक महीने बाद 18 अक्टूबर को, ठीक है, 18 अक्टूबर 2018 को आपको दिख रहा होगा ये नोटिस आता है किसके लिए। देखिए यहाँ लिखा है कि अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट वाइज, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ दे रखा है, ठीक है। LDC हेडक्वार्टर और LDC स्टोर के ऊपर, मतलब हेडक्वार्टर में भी निकली थी और LDC में, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ठीक है, LDC हेडक्वार्टर NVS हेडक्वार्टर के लिए बच्चे सेलेक्ट किए 10, क्योंकि 10 ही पोस्ट थी और उतने ही बच्चे यहाँ सेलेक्ट किए, 10 पोस्ट पर 10 बच्चे ही शामिल, यानी कि जो है आपकी कितनी पोस्ट हैं अभी, अभी जो वर्तमान में आपकी पोस्ट है मैंने काउंट किया था 174 है टोटल पोस्ट, मैं अभी आपको नोटिस दिखाऊंगा, ठीक है। तो 174 ही आपके जो है कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाने हैं 917 में से, ठीक है, उतने ही और कम भी सेलेक्ट हो सकते हैं थोड़े ज़्यादा एक दो करके, मैं आपको दिखाता हूँ टोटल ओवरलोड कितने, ठीक है। टोटल देखिए 436 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पास किए गए थे, 436 स्टूडेंट जो पास किए गए थे, और इसकी जो वैकेंसी थी वो ओवरऑल थी 440 जो थी नवोदय विद्यालय में थी, प्लस 10 जो है NVS हेडक्वार्टर में थी जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, मैं दिखाऊँ किस आधार पर आपका जो रिजल्ट बनाया गया, देखिए ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये जो है थोड़ा नीचे करते हैं, नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिया गया है आपका जो रिमेनिंग था, मतलब जो नॉर्मल स्कोर था वो नहीं, नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर आधार पर आपका जो रिजल्ट बनाया गया है, ठीक है। तो जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसमें आप अगर थर्ड शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में तो आप बढ़ाएंगे, तो उसके बाद आपका जो है नॉर्मलाइज स्कोर बनाया गया, और यहाँ लिखा है देखिए स्किल टेस्ट क्वालिफाइड 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 क्वालिफाइड, ठीक है। तो वो वाले बच्चे यहाँ सेलेक्ट किए गए, ठीक है। इनका डेट ऑफ वेरिफिकेशन टाइम दे रखा है, ठीक है, 30/12/2018 को आपका जो है डेट था, ठीक है।
इसके बाद देखिए ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कि जनरल के वाले थे, जनरल वाले। अब जनरल वालों में हुआ क्या, देखिए जो एससी वाला जनरल के बराबर नंबर लाया उसकी सीट में घुस गया, ओबीसी वाला भी घुस गया, एसटी वाला भी घुस गया, ठीक है। तो ये हुआ है यहाँ पर। इसके बाद देखिए फिर आपको मैं सीरियल दिखाता हूँ, फिर इसके बाद ओबीसी ओबीसी दिखेगा। देखिए अभी जनरल सारे मिक्स चल रहा, अभी ओबीसी ओबीसी आएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको सीधे ओबीसी ओबीसी दिख रहा होगा, ओबीसी ओबीसी ओबीसी, क्योंकि जनरल वाले में सारे काउंट कर लिए जाते हैं, ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस अगर आप उनके बराबर नंबर लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब आया था, ठीक है। टाइपिंग रिजल्ट हम दे चुके हैं, ठीक है। नोटिस दिखाता हूँ, जो हमारी वैकेंसी 2018 वाली थी उसमें अपडेट क्या आया था, ठीक है। एक नोटिस दिया था, ठीक है। लोअर डिवीजन कलर आपको दिख रहा होगा, टोटल 152 है, जिसमें आप देखिए ये तो 152 है प्लस 22 वैकेंसी ये भी हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगी 174। अगर आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये होता है 870 के अप्रॉक्स। और बच्चे कितने बुलाए गए, 917, लगभग 47 बच्चे जो हैं इसमें ज़्यादा बुलाए गए, कितने 47। अब वो पता नहीं है किस कारण बुलाए गए, या फिर 8-10 वैकेंसियाँ बढ़ा दी हूँ बाद में, तो पता नहीं है उसका, ठीक है। तो 47 बच्चे आपके एक्स्ट्रा बुलाए गए, ठीक है। तो 917 में से आपको मालूम होगा कि कुछ ही बच्चे जो हैं आने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं दिखा देता हूँ कि आपकी जो एनवीएस सेलेक्ट का जो था ना लिस्ट आई थी उसमें देखिए कितने बच्चे हुए थे। तो 917 देखिए यहाँ पर दिख रहा हुआ, बट उस हिसाब से हम देखें तो 5 गुना, क्योंकि 5 गुना उन्होंने लिए थे। मैं आपको दिखाता हूँ एक नोटिस में, एक सेकंड, इसी में लिस्ट में दिखाता हूँ, 5 गुना लिए थे उन्होंने, देखिए ये देखिए यहाँ साफ साफ उन्होंने लिख के दिया है, ये देखिए 1:5, ठीक है। एलडीसी एज मेंशन द रिक्वायरमेंट एडमिटेड इन द रेशियो, जो भी आपके बच्चे सेलेक्ट हुए थे वो उन्होंने 1:5 में लिए थे जो एग्जाम में सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। तो उस हिसाब से 870 हो रहा है, बट इन्होंने 917 पास किया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड हम चलते हैं, नोटिस मैंने आपको सारे दिखा दिए, अब चलते हैं हम वीडियो पर, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए इसमें मैंने आपको वैकेंसी एग्जाम आंसर की बीच सेलेक्टेड लिस्ट का, वाई टाइपिंग टेस्ट का हुआ, फाइनल रिजल्ट, टाइपिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद तुरंत नियुक्ति भी उन्होंने कर दी होगी, लगभग मान के चलिए 1 महीने के अंदर उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी होगी उनको, ठीक है। अब देखिए हमारी अब 2019 की जो वैकेंसी थी, पेपर होता है 16 सितंबर को, यहाँ स्थिति थोड़ी बदल जाती है क्योंकि कोविड का सीजन चल रहा था, ठीक है। तो स्थिति बहुत बदल गई, नहीं तो ये भर्ती आपकी 2020 में ही कंप्लीट हो जानी थी, ठीक है। तो देखिए प्री होता है आपका 16 सितंबर, तो यानी कि जुलाई 2020 में कोविड के बाद रिजल्ट आता है 1 साल बाद, उसके 1 साल बाद टाइपिंग होती है, ठीक 16 सितंबर को। देखिए 2 साल हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसका रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है, तो देखिए पहले ही जो एनवीएस है वो काफ़ी डिले कर चुका है, ठीक है 2 साल का। तो अब एनवीएस ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, रिजल्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, जो मिसलेनियस कैटेगरी थी, ठीक है, जो मिसलेनियस कैटेगरी थी या फिर जो आपका टीजीटी पीजीटी वाले थे, उनके हिसाब के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, सेलेक्टेड लिस्ट भी आ गई कौन कौन से किस कैंडिडेट सेलेक्ट हैं। तो बस अब आपकी ही बारी है, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है वो देखिए 16 सितंबर हुआ, तो आप मान के चलिए 16 अक्टूबर 16 नवंबर आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में, या फिर मतलब नवंबर के फर्स्ट वीक अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपको रिजल्ट जो है 100% देखने को मिलने वाला है, और उसके तुरंत बाद ही 15 से 1 महीने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए अक्टूबर लास्ट और नवंबर का फर्स्ट वीक ये बहुत ही क्रूशियल रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपका रिजल्ट कभी भी बन सकता है, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। चलिए मैं और डिटेल आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमने देखिए क्या क्या यहाँ पर डिस्कस कर लिया, रिजल्ट बता दिया मैंने, कब तक आएगा प्रीवियस ईयर कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं, कितना रहा था मिनिमम मिनिमम कट ऑफ, ठीक है। तो देखिए ये वाला तो हमारा आपका है, देखिए सॉरी वही वाला दिखा दूँ, ठीक है। 2018 का कट ऑफ मैं बात करने वाला हूँ, जो आपको लिस्ट दिखाई थी ना उसी में से मैंने मिनिमम मिनिमम निकाला, मिनिमम इतना तो गया ही था, ठीक है। नॉर्मलाइज स्कोर था वो मैंने आपको दिखाया था, आउट ऑफ 100 था हमारा जो पेपर हुआ है वो 120 का हुआ है, ये आउट ऑफ 100 था, ठीक है। तो देखिए यूआर का जो मिनिमम गया था ना वो 80 गया था, 100 में से 80% हो जाएगा, ओबीसी का 79, एससी का 76, एसटी का गया था 72, 100 में से जो भी परसेंट नंबर होते हैं वही परसेंट होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा कितना जा सकता है 2021 वाला एक्सपेक्टेड। तो देखिए यूआर का अगर हम 80% से लगाएं, ये मैं नॉर्मल स्कोर बोल रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल स्कोर, ये हमारा नॉर्मलाइज्ड नहीं है, जो सामान्य होता है वही स्कोर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 96 मार्क्स आपके अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ, मतलब 90+ हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं यूआर में। ओबीसी 94 यानी 90+ वही, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले भी लास्ट ईयर था नहीं तो आप ओबीसी के बराबर मान सकते हैं, ओबीसी से थोड़ा कम, ठीक है। एससी देखिए 90 के अप्रोक्स रहने वाले एससी का, ठीक है, जो नॉर्मल मार्क्स है, मैंने नॉर्मलाइज नहीं लगाया अभी इसमें, ठीक है। एसटी का जो रहेगा हमारा 81 के अप्रोक्स रह सकता है, ठीक है। अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन लगा दे तो जनरल का आप कहीं ना कहीं देखेंगे 100 के ऊपर या 100 तक रह सकता है। ओबीसी का भी आपको कुछ ही इसी अंदाज में 97-98 के आसपास दिखेगा, ठीक है। एससी का भी आपको 95 तक देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी लास्ट ईयर से कम है, ठीक है। इसके बाद एसटी का भी आपको लगभग मान के चलिए आप 88 या 90 के अप्रोक्स देखने को मिल सकता है नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है ना। अब पता नहीं कितने नंबर बढ़े हैं, क्योंकि आपको दिखाया था मैंने 15-15, 20-20 नंबर भी आपके बढ़े हैं, तो यार बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो अब देखिए मैंने सारी आपको जो है डिटेल इसमें बता दी, और देखिए क्या रह गया, ठीक है। अब तो कुछ नहीं रह गया, मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। तो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बता दिया कब होगा, रिजल्ट बता दिया, टाइपिंग रिजल्ट भी आएगा या नहीं सब बता दिया, कितने कब तक आएगा रिजल्ट ये बता दिया, कितने कैंडिडेट पास होंगे ये भी मैंने आपको सब कुछ
बता दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगी। अगर कुछ भी सूचना होती है तो मैं आपको उसे तुरंत अवगत करा दूंगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।